नौकरी गई नौकरी मिलेगी, छोकरी गई छोकरी मिलेगी, घर गया घर मिलेगा, सोना चांदी गए तो सोना चांदी मिलेंगे, माँ चले गई तो फिर माँ नहीं मिलेगी। अगर इस दुनिया में 300 करोड़ यंगस्टर्स हैं, 300 करोड़ बैट पकड़े तो 1000 बंदों का करियर संवर रहा है। 300 करोड़ यंगस्टर्स हैं, अगर वो फुटबॉल को ले लें और जिंदगी पूरी फुटबॉल में गुजार रहे हैं तो 2000-3000 लोग अपना ख्वाब पूरा करेंगे। अगर 300 करोड़ किताब पकड़ लें, कसम खुदा की 300 करोड़ कामयाब हो जाएंगे। मेरा तो काम यह है कि जलाता चलूं चराग, मेरा तो काम यह है कि जलाता चलूं चराग, राह में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। सब लोग का कलमा एक, सब का रब एक, सब की कुरान एक, लेकिन कैसे हम लोग मसलकों में बटे हुए हैं। हमारी टांग पकड़कर हम खींच रहे हैं, हम इस हालत पर आकर गिर गए कि हमें कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, आपस में ही दुश्मन बन बैठे हैं। खड़े होना है हमें, अपना जलवा दिखाना है, अपना मकाम बनाना है। वो कैसे, उसका फार्मूला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इकरा पढ़, तालीम हासिल कर, इल्म हासिल कर। जब आप मेहनत करते हो, इल्म हासिल करते हो, इन डेप्थ नॉलेज हासिल करते हो, फिर अल्लाह सुबहानो ताला बारिश बरसाता है अपॉर्चुनिटीज की। लेकिन अफसोस हमारे नौजवानों में ये सोच है कि मुझे जॉब दें फिर मैं मेहनत करूंगा, मुझे कोई भी जॉब दे मैं मेहनत करूंगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमने खूब मेहनत करके नॉलेज हासिल करके तैयार रहना, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, अपॉर्चुनिटी कहीं भी आ सकती है, उसके लिए आपने तैयार रहना है हमेशा। हमें बनाने में कोई एनजीओ नहीं आएगा हमारे पास में, कोई लीडर नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी। हमें खुद खड़े होना है, हमें खुद बनना है। जो इंसान खुद फैसले करता है वही कामयाब होता है। रोज़े क़यामत में न जाने कितने करोड़ों 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 लोग मोबाइल फ़ोन की वजह से जहन्नुम में थकेले जाएंगे, सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आग का गोला है मोबाइल फ़ोन। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे भेजा है इनको कुछ सिखाने के लिए। मेरे हृदय से, दिल से मेरी जामा साहब को एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये जो युवा वर्ग है जिसमें से 5 या 10% लोग ड्रग्स के तरफ चले गए हैं, इनको यहाँ से निकालना है। वालिदैन अपने औलाद की तरबियत में सबसे बड़ा रोल इस तौर पर अदा कर सकते हैं कि अपनी औलाद को ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत भी ना दे और ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती भी ना करें। बेहतरीन तोहफा माँ बाप की तरफ से औलाद को उनको सही अखलाक सिखाना है। उनकी तालीम से बड़ा तोहफा माँ बाप की तरफ से कोई नहीं हो सकता है। सब लोग का कलमा एक, सब का रब एक, सब की कुरान एक, लेकिन कैसे हम लोग मसलकों में बटे हुए हैं। हमारी टांग पकड़कर हम खींच रहे हैं, हम इस हालत पर आकर गिर गए कि हमें कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, आपस में ही दुश्मन बन बैठे हैं। अल्लाह ने आप लोग को बहुत दौलत दे रखी है। मैंने यूके जाना हुआ, देखा कितने मिलेनियर्स हैं
वो गुजरात के हैं सब। आप देखना 10 साल में सूरत का पूरी सूरत ही बदल जाएगी इंशाल्लाह। एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन आप लोग को ले आना है। मेडिकल कॉलेजेस सूरत में होने चाहिए, लॉ कॉलेजेस सूरत में होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस सूरत में होने चाहिए, बिजनेस स्कूल सूरत में होना चाहिए। बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप लोग यहाँ बुलाएं और इंशाल्लाह मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। जो भी टॉक यहाँ पर हुआ है इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उन तमाम लोगों को मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आसान नहीं है एजुकेशन पर इतने लोगों को जोड़ना, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं सलूट करता हूँ जितने भी लोगों ने एक एक महीना अपने कारोबार को छोड़कर यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का आपने एक काम किया है और मुझे यकीन है कि ये पहला और आखिरी नहीं होगा, ऐसे बहुत से होंगे इंशाल्लाह। जो भी करियर संवारना चाहते हैं चार चीज़ें याद रख लें, फिर से करता हूँ, पैशन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, आपके अलावा दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए और इन तीनों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उस कमाई से उस कामयाबी से अल्लाह को भी राज़ी होना है। अगर अल्लाह राज़ी नहीं है उस प्रोफेशन को आपने छोड़ना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो वेरी मच।